भाई बा हो जाते ही कलयुग के नकली साधु कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखे क्या लिखे सत्य की साधना से विमल कर्म फिसला धर्म दफना कुकर्मों के आगो समय पूजा भक्ति भजन श्रद्धा सद्भावना वासनाओं के डूबा है मदोस में पाठ पाखंडता का पढ़ाते पखंडी सोशल सन मर्ग करते हैं मदहोस में पाप का जब जब पाताल फट जाएगा भोला फैलेगा विद्रोह जन रोस में आडंबरधारी इन पाखंडियों से कहना है आप धर्म गुरुओं के पास हर धर्म गुरुओं की बात नहीं करता कुछ 90% हैं उनके पास आप जाएंगे कहेंगे कि बच्चा मोह माया से दूर रहिए मोह माया से हम दूर रहिए वो 20 आश्रम बना ले उनके मोह ढेर हो हमारे बाल बच्चा हो बियादन हो तो हमारे मोह ना हो सबके यह बताओ ना कि मोह माया से दूर रहिए और मोह माया हमके देखे जाओ तो कौन गीत है मास्टर अरे जिंदगी में क्या रहा यह सांस मर जाने के बाद जी भाव लिखे चल रही आधी जुलुम की चल रही आधी जुलुम की राम तेरे पतन है धर्म का होता पतन है पाप के परिवेश चल
रही आधी तूफान की राम तेरे देश में, धर्म का होता पतन है पाप के प्रवेश में। आज भी इजराइल में आप देख रहे हैं लड़ाई हो रही, क्या धर्म की लड़ाई है। सबसे सनातनी धर्म, पुरानी धर्म, हिंदू रीति रिवाज, तो तमाम लड़ाई अपने धर्म के ऊपर लोग लड़ रहे हैं। लेकिन कवि जी भाव लिखलन, क्या लिखे, क्या यहूदी अपने धर्म के लिए, ईसाई अपने धर्म के लिए, मुस्लिम अपने धर्म के लिए, हिंदू अपने धर्म के लिए, सारे लोग अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सारे धर्म गुरुओं में कहीं न कहीं बुराई है। जगत में हिंदू धर्म की होती बड़ाई है, समंत सागर जिनके सच्चे अनुयायी है, अरे बिहवल सभी श्रद्धालु भगवान मानते, अरे करते लगन से पूजा यह सान मानते, महाराष्ट्र में बसा है अमरावती जिला, मीनाय देवचन का सुखर है सिलसिला, अरे संध्या सुघर सुरेश गोदी के हैं दुलारे, भक्ति भजन में प्यारा परिवार सवारे, संध्या इंटरमीडिएट की मेघावी छात्रा थी, शुरू से ज्ञान में तो भक्ति की मात्रा थी, बाबा पधारे एक दिन देवचन के भवनवा, बाबा पधारे एक दिन देवचन के भवनवा, गदगद हुआ परिवार सकल पूज के चरणवा, महाराष्ट्र में एक सन्मति सागर, सन्मत सागर बाबा बड़ा मशहूर निकलन बाबा, और रह वाला कहां करलन, महाराष्ट्र के, और तमाम शिष्य उनकर बन गेलन। वही महाराष्ट्र में अमरावती जिला हो, अमरावती जिला के देवचन और मीना और उनके एक बेटी एक बेटा संध्या और सुरेश भक्त हो गेलन उनकर, रातों दिन सन्मति बाबा का पूजा पाठ घरे में फोटो लगा के करें बाबा, और यही कुंभ का स्नान लगल बाबा के दरबार में तमाम लोग दर्शन करे जात हुन, और देवचन भी पूरे परिवार सहित पहुंचलन। लेकिन उनकर बिटिया जो इंटर के संध्या हो, बाबा के भक्ति में तनी लीन है पढ़ाई लिखाई के साथ, तो भजन भाव बाबा का पाठ कैल करें। तो कौन गीत है मास्टर, यही गीत हम जब से गवानावा कर दीनावा धराई, रातिया ननी दयावे देह पियराइल, कहां से लहल गई हो, फिल्म का गीत लहल गई भोजपुरी वाले वही से चुरावलन, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा, लेकिन सन्मति बाबा के खातिर देवचन का पूरा परिवार समर्पित हो, केहू भी कौने
पंथ में जुड़ जा, चाहे शिव चर्चा में जुड़ जा, चाहे अड़गड़ानंद महाराज जी के जुड़ जा, चाहे स्वामी गुरुवंदे महाराज जी के जुड़ जा, ये जहाँ जुड़ जाला अपन श्रद्धा रखला परिवार सहित। यही में कुछ साधु संत मरलन, हर साधुन का नाम बेकार कर दिला। कैसे सनमति बाबा से बोली है बचानिया, संत सेवा कर हम हरि के सरनिया, बोली है का कहले गुरुजी इंटर के लड़की पढ़त हो, बाबू मतारी के साथ आई, कलेस गुरुजी अपनी शरण में हमके जगह दे दा। शिष्य बनाए बाबा दे के उपदेश सवा, सुघर धैली भेष सवा, पूरा परिवार इतना समर्पित बाबा के प्रति रहल कि यही हमारे भगवान हैं। बेटी कहती है कि माताजी पिताजी मैं संत सेवा करूंगी, कल अच्छी बात साधु बाबा कल ठीक है बेटी आश्रम पर रहो। संध्या रह लगल सूट सलवार निकाल के तपसिक भेष बना लहल, वहां का कपड़ा पहन ले, ले। माया मोह छोड़ भैली, माया मोह छोड़ भैली बनली जोगिनिया, सारा मोह माया छोड़ करके संध्या आश्रम में रात दिन बाबा के कुटी बटोरे झारे सेवा सत्कार, वहाँ हजारों हजार भक्त थे बाबा। लेकिन बाबा का मेन पर्सनली चेलिन बन गई, संध्या सेवा सत्कार करे निर्भी भाव से उन्हें भगवान माने लगल। यही हमारे भगवान है, यही तारन तार है, यही दुनिया के दुख हरने वाले हैं। इतनी दिल साफ भावना से बिटिया संध्या सेवा करे तो तड़ जा गिल कौन है गीत लिखल गई संध्या सेवा कर था कौन तर्जमा मास्टर जवन जवन कहबा सैया अरे मन भोजनी गिया में मत जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में एक रोज संध्या बाबा का पैर पकड़ के एक बात कहत अपने दिल के दुखड़ा का कहत बाबा से बोली संध्या रो के फरियादिया से, बाबा से बोली संध्या रो के फरियादिया से हो तबाया पार पीड़ा पेट के दर्दिया से, पार पीड़ा पेट के दर्दिया से, पार
ऑटोमेटिक 8 बजे रात के आश्रम में संध्या कितना पेट में दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी बाबा। सारे लोग भक्त जुटते हैं, छटपटा रही है, बाबा इलन सनमत बाबा का कहत हूँ। हो तब दरदा जहवा हमें दा दिखाई, सहलावे मंत्र पढ़ के पीरा हट जाई। कुटिया में बाबा गैलन कने आप लोग जाइए, बाबा गरम पानी बोतल में भरलन और बिटिया के पेट पे सहलावे लगलन। कल बेटा कपड़ा छोड़, पूरा कपड़ा पड़ा छोड़वा के लगन पर गरम पानी के लेप देवे। का कहे कैसे दिखैबा हम धापल मरा जादिया के, कैसे दिखैबा हम धापल मरा जादिया के, हो तबाया पार पीरा पेट के दरदिया से। बेटी के जोन कपड़ा पहनले के छोड़वावे लगल पूरा नीचे तक, पेड़ उड़ू कर लगल दर्द करे लगल, वही पर पानी गरमाव और सहलावे। कितनो तो इंटर की लड़की लजात हो, हाथ से पकड़ा बाबा कहना घबराओ बेटी, मैं तेरे बाप समान हूँ, आश्रम में मेरी जिम्मेदारी है। तो कवि जी के लिखे के पड़ल भाव टेरी के बाप, धर्म का कंधा नीचा हो गया, भूला संत की गरिमा हवसी देख के अंधा। अब देखे हर इंसान के दिल में दिले होले, साधु लड़की के कपड़ा नीचे तक घसकवा देहलन, ऊपर को ऊपर कर देहलन और बोतल में पानी भर के गर्म होके सहलावत हो। देखते ही देखते साधु जहां अपने को भगवान कहता है, नियत डोलने लगी। जब डोलने लगी तो साधु किया क्या मास्टर, तर जा गई। यही गीत हमारी मास्टर बजाओ थो, कौन तर्ज मास्टर। अरे पगला परनवा मतलबी परानी, धोखा होइ गया बालम उमरिया बचकानी। लेकिन धीरे धीरे रात 11 बज गया, धीरे धीरे लड़की के कुछ आराम आवे लगल, आराम आवे लगल की नींद आवे लगल। मचला है मनवा बदनिया निहारी, मचला है मनवा बदनिया निहारी, धोखा कैले बाबा नियतिया बिगारी। भोग से जोग हमारे मिली बेटी मुकती, मनबू न बात मोरी गोली देव मारी, मनबू न बात मोरी गोली देव मारी, धोखा कैला बाबा नियत ये बिगारी। बाबा
बाबा वहां रात 11 बज गया, सारे साधु मंडली अपने अपने कुटी में, बाबा सिर्फ संध्या जेके बिटिया माने आज वह बाबा उस बेटी को एक दवा दिया, दवा में एक नशा थी बाबा, नशा में लड़की की नींद आवे लगा, लेकिन कुछ समझ रही थी। बाबा कपड़ा धीरे धीरे उतारने लगा, लड़की जब विरोध करती है कहती कि नहीं बेटी भोग में ही जोग है, भोग में ही जोग है बाबा। कहना बाबा क्या करें आप मेरे पिता समान है, लेकिन बाबा माना नहीं तो किया क्या, तर जा गई। कवन गीत था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, लेकिन वह लड़की हल्का नशे में है लेकिन समझ रही सब कुछ, क्या कह रही है, अरे लुटा जी न गुरवर हमारी जतिया, असम सिंगार बट हमारी छतिया, आप मेरे भगवान में मानती हूँ। आसम सिंगार बट आवला कथा दिया, आवला कथा दिया, लूटा जी न गुरवर हमारी इज्जतिया, लेकिन वह पापी नीच कसाई साधु के भेष में भेड़िया बन गया, और भेड़िया बना तो किया क्या, बाबूजी भावदिश्या के लिखल गई, धर्म का लुटेरा दाग, अरे धर्म में लगाई देहल, अरे साधवी के साथ खूब कैल समाना मानी, लहू से रंगायल तन दाग लागल सरिया में, अरे दगिया छोड़ा डाल वही कमंडल का पानी, कलिया का रसा चाख लागल रोज भावरावा, अरे पल लागल पेट में पापे कनी सानी, अरे फूल जाई पेटवा तबे द खुल जाई है, अरे बाबा के दिल में भारी बढ़ल बागालानी, उस संध्या लड़की को जो अपने शीश महल बनवाया था साधु उसमें कैद कर लिया, दो चार पांच थे चमचा साधु होलन ओकरे देख रेख में लगल हुन, संध्या चाह कर भवे नहीं निकल पा रही है, साधु जब इच्छा करता था रोज उस अबला के साथ उस बेटी के साथ मनमानी करने लगा। एक दिन विचार में आया अगर इसके पेट में बच्चा रह गया तो हमारे कुटी के साथ भंडा फूट जाएगा, हम कहीं का नहीं रहेंगे। वो नीच कसाई साधु सन्मति किया क्या, भाव पहपट के भाव, वो
वो लड़की के फीट पेट में दर्द शुरू हुआ। बाबा इसको डर हो गया साधु को कि कहीं दूसरी बात तो नहीं है, लेकिन वो लड़की के रहा अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कैलेस का मास्टर पपट के लाइन निकल गए। अप्रेंटिस का करवाई ऑपरेशन छिंदा भाड़ा में, शिष्य संग से चल भल बेमनवा छिंदा भाड़ा में। नशे का दवा दिया, लड़की बेहोश दर्द में कराह रही है। पूरे आश्रम में हल्ला हो गया कि संध्या बेटी की बड़ी हालत खराब है और इसे छिंदवाड़ा ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा, अप्रेंटिस है। साधु बाबा अपने पांच साधुन के साथ वो लड़की के लेके चलन छिंदवाड़ा के लिए। तो का कैलन दवा में डाल के नींद का गोली पापी दिया पियाई हो, चार मार्च के रात अधेरी अजिंदा दिया दफनाई है। लेके आयल इतनी दवा की डोज बेसी हो गई, एकदम बेहोश हो गई और जंगल के रास्ते कैलेश का गड्ढा खनवा करके उन्हें दफनवा दिया। और बड़ा अगाड़ी जो ही दुष्ट कमीना छिंदवाड़ा में, सुंघत कुत्ता पहुंचलते ही छनवा छिंदवाड़ा में। सनती बाबा के दिमाग में था कि मर चुकी है, ले आकर के जंगल में दफना देना, थोड़ी सा जंगल के रास्ता में सोचल यहाँ अब के करी। और छिंदवाड़ा से लंबी दूरी है और वहाँ दफना तो देहलन, लेकिन दफना के जब गेलन तो देखलन का बाबूजी एक कजल भगवान के लीला, कुत्तन का झुंड आई और जहाँ मटिया खनल लोग के टारे लगला। आल्हा कला लिखल गई, का लिखल गई, ए भैया रक्षा भगवान जे कर करी हधारती पे भैया, साजी इंसान सब कर हो जाला बेकार, कुत्ता सब भैया देखा, देखा एक किसान जब भयल भी न के कुल टारत हुआ झाँ झाँ आपस में लड़त हुआ। भोर हो गई, एक किसान जा रहा था रास्ते पे, कुत्तन के देखले से हाउ का चीज हकलेस, कुत्तन के जाके तकलेस तो जना था कि इंसान का लाश चिल्हट मचल। पुलिस आई बाबूजी, गांव के लोग जुटल निकालल गईल, तुम विधि के विधान लड़की का सांस चलत रहल, हॉस्पिटल ले गेलन। तो हॉस्पिटल में का भेल बाबूजी, लड़की को होश आया, सारी हकीकत बताती है, मैं कहाँ के रहने वाली हूँ,
हमारे बाबा आश्रम में सन्मति बाबा के आश्रम में थी, सारी हकीकत बता डाली। अंतिम लाइन में लिखे के पड़ल का अरे पापी धर्म के दुबौला पहिन कंठी मलवा ले इज्जत के बदलवा चुका के भलावा जांच के दरमियान, जांच के दरमियान पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की थी। कहती उस पापी को मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अरे छली अन्यायी नीच पापी का दरवा पाप का निशानी बाट हमारे उदरवा चली मारे रणचंड बन के कलवा ले इज्जत के बदलवा चुभा के भलवा उस बेटी की निशानदेही पे सन्मति बाबा महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ। बिरहा लिखा तक जेल के अंदर रहल। ऐसे कहना बा कि आप लोग समझिए परखिए, धर्म के नाम पे ढोंग रचने वाले तमाम है, तमाम देखला सवेरों में भीख मांगे वाले आ जालन तो कोनो गुदरी लेके घूमी है, कोनो काप कोनो दाढ़ी बनौले हन, गुटखा खेले रही है, पान खेले रही है, दारू पी ले रही है, न पता तो कैंट स्टेशन के 9 नंबर पे चल जा। 9 नंबर पे सैकड़ों मिला, कोनो साधु बनाना कोनो ईसाई बन बन के कुल मांगा थोन गांव में। ऐसने ढोगिन से सतर्क रहिए और 99 फ्राड है, एकाठे जो बढ़िया साधु संत हो उन्होंने की बेइज्जती कुल करत हो। तो कहना बा का तो गुरु बिहारी रमन बेचन हुए स्वर्ग के बासी श्यामा सीता राम भरत अरजिन के हाय अभिला धर्म का कंधा नीचा हो गया भोला छोटलाल तो उमड़ा प्रेम का बंधा धर्म का कंधा नीचा